दुनिया भर की तरह आज अमेरिका में भी ईद कुर्बान मनाई गई। हजारों फर्जंदान तौहीद ने सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हुए नमाज ईद अदा की। अमेरिका के तूल अर्ज में 1300 से ज्यादा मुकामात पर नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्कद हुए। इस मौके पर लोग एक दूसरे से बगलगीर होते हुए वतन में अपने प्यारों को याद करते रहे। मेरी भांजी है मीना खान, आई लव हर टू मच, लव यू मीना, लव यू टू मच। ईद इज ऑलवेज अ जॉयस ओकेजन एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड टू हैव अनदर ईद एंड May Allah bless all the Muslims all over the world. बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, सारी कम्युनिटी इकट्ठी है। The difficult times of the ummah, but alhamdulillah, I mean, this is a day for celebration to put all those things aside and to focus upon the greater reality. ईद उल अदा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और हमारे लिए मशअल रा। नमाज ईद की अदायगी के लिए अमेरिका भर में मुकामी इंतजामिया ने खुसूसी सहूलत फराहम की थी। इतवार को ईद मनाए जाने के बाद बड़ी तादाद में फर्जंदान तौहीद ईदगाह पहुंचे और इमामों ने इम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद और यकजहती की तलकीन करते हुए अल्लाह की राह में सुन्नत इब्राहिमी की याद ताज़ा करते हुए अपने भाइयों के लिए अजीम कुर्बानियों का दर्स भी दिया। वतन से दूर ईद और बकरीद ही वो मौके होते हैं कि जब मुसलमान एक दूसरे से बगलगीर होकर बाहमी खुशियों को दुबाला करते हैं। आज की ईद भी इनकी खुशियों को दुबाला करने का बेहतरीन मौका था। असफर इमाम, आज न्यूज़, न्यूयॉर्क। ईद मुबारक।